हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेसफुल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक टॉपिक है। सो प्रीवियस हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस टॉपिक से। उसमें हमने डिस्कस किया था ब्लड, प्लाज्मा और उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। लाइन बाय लाइन सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, प्लेटलेट, WBC, RBC के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। सो चलो शुरू करते हैं। एज वी नो, ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बींग डिफर इन अ सर्टन एस्पेक्ट। सो हर किसी का ब्लड तो सिमिलर होता है उसके अपियरेंस में, उसके हाँ जैसे कि प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन, फॉर्म्ड एलिमेंट का कॉम्पोजिशन, इन सभी चीज़ों में सिमिलर होता है। लेकिन ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट, हर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता है। सो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हमारे सर्टन एस्पेक्ट होते हैं जो कि हर किसी के ब्लड में डिफरेंट होते हैं। सो वेरियस टाइप ऑफ अ ब्लड ग्रुप हैज़ बीन डन। सो कई सारे ब्लड ग्रुपिंग मेथड्स किए जाते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेजरली आर अ वाइडली यूज्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड आर ABO एंड RH आर अ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ टू सरफेस एंटीजन्स। सो इस ABO ब्लड ग्रुपिंग कौन से फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है? जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर एक सरफेस एंटीजन होता है, सरफेस एंटीजन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटीजन पता होना चाहिए, कई सारे केमिकल या फिर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए एंटीजन्स ब्लड हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। और ये सरफेस एंटीजन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एंटीजन्स होते हैं ये सरफेस पे पाए जाते हैं। सरफेस कौन, किस सेल के सरफेस पे? आरबीसी के सरफेस पे, दैट इज रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे ये एंटीजन्स पाए जाते हैं। और दो टाइप के एंटीजन्स होते हैं, दैट इज ए एंटीजन और बी एंटीजन, राइट? एंड सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ अ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। आरबीसी के ऊपर दो एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन, और प्लाज्मा के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं। एंटीबॉडीज वो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, उस एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में होते हैं। वो नेचुरल टाइप, नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। सो लेकिन ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं वो नेचुरल तरीके के एंटीबॉडीज होते हैं, और वो प्रोटीन से बने हुए एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन से प्रोड्यूस हुए एंटीबॉडीज होते हैं। एंड ये जैसे कि मैंने कहा था, प्रोवाइड रिस्पॉन्स अगेनिस्ट एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स के लिए ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा हर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। उसे चार कैटेगरी में बांटा गया है। फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, आप सभी को पता है, AB, AB एंड O, ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। सो पहले इस टेबल को देखिए, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो पहले चार टाइप के ब्लड ग्रुप AB, B एंड O। सो ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए एंटीजन पाया जाता है, और वो कहाँ पे? आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन पाया जाता है। और इस ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी बी पाया जाता है, मतलब बी एंटीजन अगर सपोज किसी के बॉडी में एंटर होता है ए ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड के अंदर, बी अगर एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप का अगर मैच मतलब मिक्स हो जाता है तो बी एंटी बी रिएक्शन होता है। एंटी बी मतलब बी के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडीज को एंटी बी कहा जाता है। और ये इसे कौन कौन डोनेट कर सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप वाला कौन से इंडिविजुअल से, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ब्लड ले सकता है? पहले तो दिस ये ए की ये तो एक ए का ये खुद मैच होता है, सो ए और ओ ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट वन इज अ बी, बी के अंदर बी एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन पाया जाता है, और इसमें एंटी ए पाया जाता है, मतलब इस ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। एंड ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप का एंटर मतलब मैच कर सकता है या फिर ब्लड ले सकता है? दैट इज बी और ओ। ओ हर किसी में कॉमन है, क्योंकि हर कोई भी ब्लड ग्रुप हो, जैसे कि ए बी चार ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब ये डोनर है, ये ब्लड ग्रुप सभी को अपना खून दे सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, राइट? नेक्स्ट वन इज AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, और इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ना कि एंटी ए पाया जाता है, ना कि एंटीबॉडी बी पाया जाता है। क्योंकि अगर AB ब्लड ग्रुप के अंदर अगर एंटी ए होता तो ये जो एंटीजन ए है इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता, जिस वजह से हमारे बॉडी में क्लंपिंग जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और कई सारे कोसेस होते हैं। इसी वजह से इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है एंटी ब्लड ग्रुप AB में। और इसके अंदर
ए बी ए बी ओ, और ये सभी से एक्सेप्ट कर सकता है ये ब्लड ग्रुप, ए बी से भी ले सकता है, ए वाले भी से डोनेट कर सकते हैं, बी वाले से, एंड ओ वन, ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, एंड नेक्स्ट वन इज अ ओ। इसके अंदर कोई भी एंटी एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होता है, निल होते हैं एंटीजन, प्रेजेंट नहीं होता है, और उसके अंदर एंटी ए एंटी एंटीबॉडीज ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंटीजन एबसेंट होते हैं। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड दिस एक्सेप्ट ओनली फ्रॉम अ ब्लड ग्रुप ए, खुद का ब्लड ग्रुप ए से ही एक्सेप्ट कर सकता है। सो यहाँ पे, एंड यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अ ब्लड, अगर आप किसी को ब्लड देना चाहते हैं किसी पेशेंट को, सो एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, कोई भी ब्लड यूज नहीं कर सकते हैं, उसका ब्लड ग्रुप भी मैच होना चाहिए, राइट, द डोनर ब्लड ब्लड ऑफ अ डोनर टू बी केयरफुली मैच्ड विथ ऑफ अ रिसिपियंट। सो रिसिपियंट जो रिसीव करने वाला होता है उसके ब्लड के साथ इसका डोनर का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, तो ही हम ब्लड उसे दे सकते हैं, वरना कई सारे ट्रांसफ्यूशन की वजह से कई सारे सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि क्लम्पिंग, क्लम्पिंग मतलब इसका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। सो ये जो एंटीजन होते हैं ना, यही बहुत ही एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी, ये जो प्रेजेंट होते हैं ना, यही कई सारे केमिकल रिएक्शंस और फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, एंड द डोनर्स कंपेटेबिलिटी इज शोन इन अ डोनर, राइट। सो यहाँ पे डोनर की कंपेटेबिलिटी, कौन सा ब्लड ग्रुप के कौन से ब्लड ग्रुप को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ये सब कुछ यहाँ पे इस टेबल में दिया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, राइट। एंड फ्रॉम अबो मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू अ पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल किसी भी ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, सो इसी वजह से उसे यूनिवर्सल डोनर कहा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, यूनिवर्सल डोनर कहा गया है, एंड अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, और जो ए बी ब्लड ग्रुप का होता है वो हर किसी से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ए का हो बी का हो, पर्सन पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए है या फिर बी है या फिर ओ है या फिर ए बी है, किसी से भी ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, सो इसी वजह से इसे यूनिवर्सल रिसिपियंट कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिए यूनिवर्सल डोनर ओ है एंड यूनिवर्सल रिसिपियंट ए बी ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द आर एच, आर एच ग्रुपिंग क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था ब्लड ग्रुपिंग टू टाइप के होते हैं, ए बी ओ एंड आर एच। सो आर एच क्या होता है, आर एच एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन ये प्रोटीन का एंटीजन, प्रोटीन से बना हुआ एंटीजन है, जो कि सिमिलर है रिसस मंकी में भी पाया जाता है ऐसा एंटीजन, सो इसी वजह से इसका नाम आर एच रखा है, आर एच एंटीजन। इट इज ये सरफेस प्रोटीन, सरफेस एंटीजन है, मतलब आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाला, इट इज ऑब्जर्व ऑन अ सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाए जाने वाला ये एंटीजन है, और मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन के अंदर ये एंटीजन पाया जाता है, एंड रिमेनिंग पर्सन के अंदर ये एंटीजन पाया नहीं जाता है। अगर अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये एंटीजन पाया जाता है तो उसे एंटीजन आर एच पॉजिटिव कहा जाता है, एंड जिसके अंदर ये एंटीजन नहीं होता है, जिनके सरफे आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर ये एंटीजन नहीं होता है, उन्हें आर एच नेगेटिव कहा जाता है। जैसे कि आप बोलते हो ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे हम ये करते हैं, आर एच ग्रुपिंग के बेस पे ही हम पता लगा सकते हैं। अगर आर एच ग्रुप दैट इज आर एच एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो हम आर एच पॉजिटिव हैं, अगर नहीं है तो आर एच नेगेटिव। सो जिनके अंदर आर एच एंटीजन जो उनकी सर्व आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, सो उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, राइट, जैसे कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये सब होते हैं। और जिसके अंदर आर एच प्रेजेंट होता है पॉजिटिव, दैट इज ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, सभी ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट यही करता है। एंड अगर कोई नेगेटिव इंडिविजुअल मतलब आर एच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव, अगर किसी का जिस इंडिविजुअल का ब्लड के अंदर आर एच एंटीजन नहीं होता है, अगर उसका ब्लड एक्सपोज हो जाता है या फिर उसका ब्लड एक्सपोज हो जाता है आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल के ब्लड के साथ, सो इट विल फॉर्म अ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, कई सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट मतलब एंटीबॉडीज रिएक्शन जनरेट करता है और कई सारे इम्यून रिएक्शंस करता है, जैसे कि सो इस वजह से मिसमैच होता है। सो देयरफॉर आर एच, अगर किसी को आपको ब्लड डोनेट करना है या फिर किसी इंडिविजुअल को आपको डोनेट करना है, तो उसका ब्लड ग्रुप के साथ साथ आर एच ग्रुप भी उसका मैच होना चाहिए, मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए है और अब ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है उस ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल, उसे डोनेट करना चाहिए रिसिपियंट को, राइट, जो रिसीव करता है, अगर उसका पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है, राइट, बिफोर ट्रांसफ्यूशन से पहले ये सब कुछ हमें मैच करना होता है। एंड अ स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन अ आर एच नेगेटिव, एक जो आर एच ये स्पेशल केस होता है जिसमें आर एच इनकम्पैटिबिलिटी मतलब
कंपेटेबिलिटी मतलब मैच होना, मिलके रहना, एंड इनकम्पेटेबिलिटी मतलब जो मैच नहीं होता हो, सो उसे इनकम्पेटेबिलिटी कहा जाता है, जो कि प्रेग्नेंट मदर होती है, जिस प्रेग्नेंट मदर का अगर ब्लड ग्रुपिंग नेगेटिव है, दैट इज उनके ब्लड के अंदर आरएच नेगेटिव है, मतलब एंटीजन पाया नहीं जाता है, और उनके जो अंदर बेबी होता है, जो कि फीटस होता है, जो भी बच्चा उनके वोम में होता है, अगर वो आरएच पॉजिटिव है तो ये इनकम्पेटेबिलिटी मिसमैचिंग देखी जाती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ केस है। आरएच एंटीजन ऑफ अ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू अ आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ मदर इन अ फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय अ प्लासेंटा। सो ये जो ब्लड होता है बेबी फीटस का जो ब्लड होता है उसके ब्लड के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, सो आरएच पॉजिटिव होता है, लेकिन जो मदर होती है उसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होता है, सो इसे हमें एक्सपोज होने नहीं देना है, एक दूसरे को मिलने नहीं देना है, सो इसी वजह से मदर और फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान इन दो ब्लड ग्रुप को सेपरेट किया जाता है, किसके द्वारा, प्लाजेंटा का द्वारा। सो दिस इज अ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउएवर ड्यूरिंग अ डिलीवरी ऑफ अ फर्स्ट चाइल्ड देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ मैटरनल ब्लड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ अ फीटस। जब बेबी का डिलीवरी होता है, डिलीवरी के प्रोसेस में, डिलीवरी होते के टाइम जब फर्स्ट जो सेपरेट हुआ रहता है प्लाजेंटा के अंदर, जो ब्लड आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव मदर का और बेबी का ब्लड नहीं मिलता है, लेकिन उसका एक्सपोजर मतलब ब्लड जो कि मदर का ब्लड होता है आरएच नेगेटिव उससे एक्सपोज मतलब उसे एक्सपोज होता है, उसे मिलता है मैटरनल ब्लड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच, बेबी का जो आरएच नेगेटिव ब्लड होता है, आरएच नेगेटिव ब्लड होता है जो फीटस का, सो उसे एक्सपोज हो जाता है। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज। सो इस केस में अगर डिलीवरी के दौरान आरएच पॉजिटिव जो बेबी का फीटस का ब्लड है, अगर वो मदर के आरएच नेगेटिव एंड आरएच नेगेटिव उसका ब्लड, मदर का आरएच नेगेटिव होता है एंड बेबी का आरएच पॉजिटिव होता है, अगर मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड को अगर थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव अगर बच्चे का एक्सपोज हो जाता है, सो जब डिलीवरी के दौरान ये सब एक्सपोज हो जाता है तो इस केस में मदर के अंदर एंटीबॉडीज तैयार होते हैं उस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, जो कि आरएच पॉजिटिव एंटीजन के उसके अगेंस्ट मिसमैच हो जाता है ना ब्लड के अंदर मिसमैच हो जाता है, जिस वजह से मदर के अंदर एंटीबॉडीज तैयार होते हैं आरएच एंटीजन के खिलाफ। एंड इन दिस केस हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर आरएच नेगेटिव कैन लीक इन टू द ब्लड ऑफ अ फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी। उनका जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होता है उसके अंदर जो पहले से ही एंटीबॉडी फर्स्ट प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान जो एंटीबॉडी एक्सपोज हो चुके हैं, जिस वजह से आरएच एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में तैयार हो चुके हैं, सो अगर वो मदर का नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसके अंदर उसके जो अगर बेबी का फीटल का ब्लड आरएच पॉजिटिव है तो वो सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। सो इस वजह से जो बेबी का आरबीसी नेक्स्ट बेबी का जो आरबीसी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है लाइक राइट। एंड नेक्स्ट दिस कुड बी फेटल फॉर अ फीटस, ये बच्चे के लिए बहुत ही घातक होता है, हानिकारक होता है। एंड कुड कॉज अ सीवियर एनीमिया, मतलब एनीमिया मतलब लॉस ऑफ अ ब्लड, लॉस ऑफ अ आरबीसी को एनीमिया कहा जाता है, ये एक डिसीज है। सो अगर बेबी का जो फीटस का जो आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय होने लगे तो उसे एनीमिया डिसीज होता है एंड जॉन्डिस टू अ बेबी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सो कीप इन माइंड, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इस वजह से जब बेबी का आरबीसी डिस्ट्रक्ट होता है इसी वजह से एनीमिया डिसीज कोज होता है और बेबी को जॉइंटिस डिसीज होता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। सो वॉट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कुछ नहीं लेकिन बॉडी की मदर के सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान तो डिलीवरी के टाइम उसके बेबी का ब्लड पॉजिटिव वाला नेगेटिव से एक्सपोज हो जाता है। सो उस एक्सपोजर के बाद मदर के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज तैयार होते हैं इस पॉजिटिव के अगेंस्ट, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं। इस वजह से अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो अगर नेक्स्ट बेबी है उसका फीटस का अगर आरबीसी उसका फीटस का अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहा तो इस जो मदर है उसके अंदर तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इसके खिलाफ लड़ने के लिए, इस आरएच एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। सो इस वजह से वो क्या करता है, मतलब जो बच्चे का आरबीसी होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब अगर बच्चे का आरबीसी डिस्ट्रॉय हुआ तो जॉन्डिस और एनीमिया जैसे सीवियर बहुत ही
मतलब बहुत ही सीवियर बीमारी होती है, ये दो बीमारी कोस होते हैं जिसकी वजह से इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, रिस्ट्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, सो कीप इन माइंड। एंड दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू अ मदर इमीडिएटली आफ्टर अ डिलीवरी ऑफ अ फर्स्ट चाइल्ड। सो इस सभी रिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस को अगर हमें अवॉइड करना है तो इस वजह से इस सभी को अवॉइड करने के लिए मदर की बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडीज डालना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा मदर के अंदर एंटी आरएच, आरएच के खिलाफ आरएच एंटीबॉडीज बनते हैं ना आरएच के खिलाफ, सो इस एंटीबॉडी के खिलाफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर के अंदर एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे ताकि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस कंडीशन जैसी कंडीशन ना हो सके ब्लड के अंदर। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड। Thank you, like, share and subscribe to my YouTube channel, Successful Learning.